सब्सक्राइब कीजिए एमए क्लासेस चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल एमए क्लासेस के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुनील कुमार। आज मैं बात करूंगा इस वीडियो में लाइन इंटीग्रल के बारे में, उसका कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को भी बताऊंगा। लाइन इंटीग्रल के इस वीडियो के पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं जिसमें लाइन इंटीग्रल से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट का जरूरत जो पड़ता है लाइन इंटीग्रल में, उसका मैं वीडियो बनाया हूं। आप आई बटन प्रेस करके उस वीडियो पर जा सकते हैं। पहले अगर उस वीडियो को आप देखते हैं उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो लाइन इंटीग्रल अच्छी तरीके से समझ में आएगा। फिर भी आप चाहें तो इस वीडियो को भी देख करके लाइन इंटीग्रल समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लाइन इंटीग्रल का डेफिनेशन क्या है, कैसे इसको डिफाइंड किया गया है। तो एन इंटीग्रल विच इज टू बी इवेल्युएटेड अलोंग ए कर्व इज कॉल्ड ए लाइन इंटीग्रल। अगर किसी इंटीग्रल को हम लोग इवेल्युएट करते हैं अलोंग ए कर्व तो उसको हम लोग कहते हैं लाइन इंटीग्रल। क्या मतलब हुआ इसको जरा समझिए। आप 12th क्लास में जो इंटीग्रेशन पढ़े हैं उस इंटीग्रेशन में आप जानते हैं कि किसी भी फंक्शन को, जैसे मान लीजिए आप 3x स्क्वायर को इंटीग्रेट करते हैं 2 से 5 तक, तो ये x जो है वो 2 से लेकर के 5 तक वैरी कर रहा है। x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना और x जो है वो वैरी कर रहा है 2 से 5 तक। तो x आता कहाँ से है? x जो है वो नंबर लाइन का ये पॉइंट 2 है। नंबर लाइन पर एक पॉइंट 2 लीजिए और उसी पर दूसरा पॉइंट 5 लीजिए, तो ये नंबर लाइन पर जो पॉइंट है 2 से 5 उसके बीच में कोई भी x हो सकता है। x का जो वैल्यू है यही 2 से 5 के बीच में है, यानी कि x क्या रिप्रेजेंट करता है? 2 से 5 तक किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और वो कहाँ पर? नंबर लाइन पर, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन। तो ये जो इंटीग्रेशन किया गया है वो एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग किया गया है। यहाँ पर जो x का वैल्यू हम लोग लिख रहे हैं कि x का जो वैल्यू लिख रहे हैं वो नंबर लाइन का पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है नंबर लाइन पर, और वो कहाँ से कहाँ तक? 2 से लेकर के 5 तक कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो ये अलॉन्ग ये स्ट्रेट लाइन हुआ, ये जो इंटीग्रेशन हुआ अलॉन्ग ये स्ट्रेट लाइन। अगर मान लीजिए हम लोग कोई कर्व है और कर्व पर एक पॉइंट लेते हैं ए और दूसरा पॉइंट लेते हैं बी, और अगर किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, कोई भी फंक्शन है एफ, अगर उसको इंटीग्रेट करना है, यहाँ पर हम लोग वेक्टर फंक्शन मान रहे हैं, और जो इंटीग्रेट करेंगे वो डी आर क्या होता है मैं इसके बारे में बताऊंगा। आर जो है वो किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर को बताता है, कर्व के किसी भी पॉइंट का आप पोजीशन वेक्टर ले लीजिए और उसको हम लोग आर से डिनोट कर रहे हैं, उसी का ये डिफरेंशियल है और ये एक वेक्टर फंक्शन है, तो दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट है। अब इसको इंटीग्रेट करना है ए से बी तक, तो ए से बी तक अलॉन्ग ये कर्व इंटीग्रेट करेंगे, यानी कि यहाँ पर जो r जो वैरी कर रहा है, जैसे यहाँ पर क्या हुआ x वैरी कर रहा था, तो यहाँ पर r वैरी कर रहा है, r क्या बता रहा है? पोजीशन वेक्टर। तो ये पोजीशन वेक्टर a से b तक कोई भी हो सकता है, लेकिन वो कहाँ का होगा? कर्व का होगा। जैसे इसमें क्या होता है, x जो है वो 2 से 5 तक कोई भी हो सकता है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन का होगा, और यहाँ पर r जो है वो पोजीशन वेक्टर बता रहा है, और पोजीशन वेक्टर a से b तक कुछ भी हो सकता है लेकिन ये कर्व का होगा। तो अगर इस तरीके से हम लोग किसी भी फंक्शन को, वेक्टर फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं अलॉन्ग ये कर्व, तो इसी को हम लोग कहते हैं लाइन इंटीग्रल। यानी कि लाइन इंटीग्रल में क्या होता है, लाइन इंटीग्रल में जो इंटीग्रल इवेल्युएट करते हैं वो अलॉन्ग ये कर्व इवेल्युएट करते हैं। उसमें आप जो 12th क्लास में पढ़े हैं वो स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग इवेल्युएट होता है इंटीग्रल, और यहाँ अलॉन्ग ये कर्व इवेल्युएट होता है। तो अगर कोई भी अलॉन्ग ये कर्व इवेल्युएट करें इंटीग्रल को, तो उसी को हम लोग कहते हैं लाइन इंटीग्रल। तो यहाँ पर देखिए आप डेफिनेशन लिखा हुआ है कि एन इंटीग्रल विच इज टू बी इवेल्युएटेड अलॉन्ग ये कर्व इज कॉल्ड ये लाइन इंटीग्रल। तो अब कर्व कुछ भी हो सकता है, चाहे वो सर्कल हो, इलिप्स हो, हाइपरबोला हो, पैराबोला, या किसी भी प्रकार का कोई भी कर्व हो सकता है। तो अगर कर्व के अलॉन्ग हम लोग अगर किसी इंटीग्रल को इवेल्युएट करते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं लाइन इंटीग्रल। तो ये लाइन इंटीग्रल का डेफिनेशन हुआ। अब हम लोग लाइन इंटीग्रल के कॉन्सेप्ट को समझेंगे ताकि क्वेश्चन बनाने में हेल्प मिलेगा। तो जरा ध्यान दीजिए, लेट r इक्वल टू एक्स ऑफ टी आई कैप प्लस वाई ऑफ टी जे कैप प्लस जेड ऑफ टी के कैप बी द पोजिशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट पी एक्स वाई जे एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड ऑन ए कर्व सी एंड ए लेस देन इक्वल टू टी लेस देन इक्वल टू बी। क्या है, सपोज कीजिए ये कोई कर्व है, इस कर्व में टी का जो वैल्यू है वो
ए पॉइंट है जिसका टी का वैल्यू ए है और यहाँ पर बी पॉइंट है जहाँ पर टी का वैल्यू बी है, ये पूरा कर्व हो गया। और इस कर्व पर कोई भी एक हम लोग पॉइंट पी ले रहे हैं तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? अगर इसका पोजीशन, इसका कोऑर्डिनेट हम लोग सपोज कर लेते हैं एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है, तो इसका पोजीशन वेक्टर आर कैसे लिखेंगे? आर इक्वल टू एक्स ऑफ आई कैप प्लस वाई इंटू जे कैप प्लस जेड इंटू के कैप होगा। और एक्स वाई जेड क्या होता है? टी का फंक्शन होता है। इसके बारे में मैं पिछले वीडियो में मैं बताया हूँ, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इसमें क्या था कि जो कर्व का इक्वेशन लिखते हैं वो कर्व का इक्वेशन होता है आर इक्वल टू एफ ऑफ टी, टी का फंक्शन होता है। यानी कि ये जो R है वो किसी कर्व के किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताता है। और वो पोजीशन वेक्टर में जैसे R इक्वल टू ये पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, तो यहाँ पर हम लोग R इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिखेंगे। तो एक्स वाई जेड क्या होता है? एक्स वाई जेड टी का फंक्शन होता है। तो यहाँ पर मैं वही लिख रहा हूँ कि ये पोजीशन वेक्टर बता रहा है, ये कर्व के किसी भी पॉइंट का ये पोजीशन वेक्टर बता रहा है। अब देखिए आगे जरा ध्यान दीजिए, और t जो है वो a से b तक कर्व का जो इक्वेशन होता है उसमें t एक खास पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वैरी करता है। तो लेट t इक्वल टू a एट e, इस पॉइंट का हम लोग t a मान लिए हैं और b का हम लोग t मान लिए हैं स्मॉल b। अब इस कर्व में एक फंक्शन डिफाइंड करते हैं, f जो है वो एक फंक्शन है f1 इंटू आई कैप प्लस एफ टू इंटू जे कैप प्लस एफ थ्री इंटू के कैप। अब एफ वन एफ टू एफ थ्री क्या है? एफ वन एफ टू एफ थ्री एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा। एफ वन जो होगा वो एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा, उसी तरीके से एफ टू भी एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा, एफ थ्री भी एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा। तो इस कर्व का ही पॉइंट होगा और ये एक्स वाई जेड जो है वो कर्व का पॉइंट होगा। ये डिफाइंड कहाँ किया गया? बी ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन डिफाइंड एंड कंटिन्यूस अलॉन्ग सी, इस कर्व के अलॉन्ग डिफाइंड किया गया है। यानी इस कर्व का कोई भी पॉइंट एक्स वाई जेड ले लेते हैं तो उस एक्स वाई जेड पर एफ वन फंक्शन निकाल लेंगे, एफ टू फंक्शन, एफ थ्री फंक्शन इसमें पुट कर देंगे, तो ये जो है फंक्शन कैपिटल एफ निकल जाएगा। ये वेक्टर फंक्शन है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन कहते हैं, और ये इस कर्व में डिफाइंड है और साथ में ये कंटिन्यूस भी है। इफ एस इक्वल टू आर्क ए पी, ये फिक्स्ड पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से किसी भी पॉइंट पी तक का जो आर्क का लेंथ है, इस आर्क का लेंथ को हम लोग स्मॉल एस मान लिए। तो पिछले वीडियो में मैं बताया हूँ कि डी आर बाई डी एस क्या बताता है? डी आर बाई डी एस बताता है यूनिट टेंजेंट वेक्टर टू द कर्व एट पी। आप पी पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए और ये टेंजेंट यूनिट टेंजेंट है और इस टेंजेंट को हम लोग टी से डिनोट कर रहे हैं, ये यूनिट टेंजेंट है। तो ये जो टेंजेंट है ये टेंजेंट कैसे निकलता है, टी कैसे निकलता है, डी आर बाई डी एस पिछले वीडियो में मैं प्रूफ करके बताया हूँ, आप आई बटन प्रेस करके जा सकते हैं उस वीडियो को देख सकते हैं। तो डी आर बाई डी एस जो होता है वो यूनिट टेंजेंट वेक्टर होता है टू द कर्व एट पी। और ये मान लीजिए यहाँ पर ओरिजिन है, किसी भी पॉइंट का जब पोजिशन वेक्टर लिखते हैं तो फिक्स्ड पॉइंट के रेफरेंस में लिखते हैं, तो एक फिक्स्ड पॉइंट जो है वो ओ है, ओरिजिन कहते हैं इसको, और यहाँ से इसको मिला देते हैं, इसको ज्वाइन करते हैं, तो ये जो वेक्टर मिल रहा है ओ पी, ये वेक्टर है पोजिशन वेक्टर। और इस पॉइंट पर जो फंक्शन डिफाइंड कर रहे हैं, यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं तो ये फंक्शन जो है वो एक वेक्टर आएगा। तो सपोज कीजिए ये वेक्टर ये इस तरीके से है, ये वेक्टर एफ है, कोई ना कोई डायरेक्शन होगा, वेक्टर है तो एक कोई ना कोई डायरेक्शन होगा। सपोज करते हैं कि इस वेक्टर का डायरेक्शन ये है, तो अब जरा ध्यान दीजिए, हम लोग निकालते हैं द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर एफ अलॉन्ग द टेंजेंट एट पी। ये पी पॉइंट का जो टेंजेंट है वो इस डायरेक्शन में है और ये वेक्टर फंक्शन एफ है इस पॉइंट का, तो इसका कंपोनेंट निकालते हैं। आप कंपोनेंट कैसे निकालते हैं? आपको पता होगा कि मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये कोई वेक्टर है, मान लीजिए एफ वेक्टर है, इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में निकालना है। तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है? आई। तो इसका, और सपोज कर लीजिए ये जो एंगल है वो थीटा है, तो इस वेक्टर का अगर कंपोनेंट निकालना है और ये एंगल थीटा बता रहा है, तो आपको पता होगा कि ये क्या होता है, एफ कॉस थीटा होता है। इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा इसका मैग्नीट्यूड वो एफ कॉस थीटा होगा। तो कैसे निकालते हैं? आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, वेक्टर फंक्शन एफ को आई से डॉट प्रोडक्ट कीजिए। तो कैसे डॉट प्रोडक्ट होता है, डिफाइंड कैसे किया गया? इसका मॉडुलस, एफ का मॉडुलस, फिर आई का मॉडुलस और फिर दोनों के बीच के एंगल का कोसाइन। तो मॉड ऑफ एफ को हम लोग सिंपली एफ लिखते हैं, आई यूनिट वेक्टर है, इसका मॉडुलस वन हो जाएगा, तो ये वन हो गया, और इनटू कॉस थीटा, तो ये कितना आ गया, एफ कॉस थीटा। और एफ कॉस थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड कंपोनेंट जो भी होगा मैग्नीट्यूड में।
तो एफ डॉट आई, अगर इसका कंपोनेंट आई के डायरेक्शन में निकालना है तो एफ डॉट आई निकाल देते हैं तो वो कंपोनेंट बता देता है। तो एफ का कंपोनेंट अगर हम लोग इस यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में निकालना है, ये यूनिट वेक्टर है टेंजेंट के डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में अगर कंपोनेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो वही यहाँ पर लिखे हुए हैं द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर एफ अलॉन्ग द टेंजेंट एट पी, कैसे निकालेंगे एफ डॉट टी कर देंगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो ये कंपोनेंट निकल जाएगा टेंजेंट के डायरेक्शन में इस वेक्टर फंक्शन का। अब t इक्वल टू क्या है, आप देखिए t इक्वल टू है dr बाई डी एस, तो t के जगह हम लोग dr बाई डी एस पुट कर देते हैं, तो f डॉट dr बाई डी एस ये बता रहा है कंपोनेंट, इस वेक्टर फंक्शन का कंपोनेंट बता रहा है, इस डायरेक्शन में बता रहा है, और ये एक मैग्नीट्यूड होगा, एक स्केलर क्वांटिटी होगा, क्योंकि दो फंक्शन का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी होता है। अब जरा ध्यान दीजिए, इसी कंपोनेंट को इंटीग्रेट करते हैं, आप देखें यहाँ पर इसी कंपोनेंट को एफ डॉट डी आर बाई डी एस को ही हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं और एस के रिस्पेक्ट में करते हैं, ए से बी तक करते हैं, ए से बी तक अगर हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं और इसी कंपोनेंट को कर रहे हैं वेक्टर फंक्शन का और एस के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, जहाँ एस जो है वो क्या बता रहा है, आर का लेंथ बता रहा है, किसी भी एक फिक्स्ड पॉइंट से किसी भी पॉइंट तक का जो आर का लेंथ है वो एस है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं ए से बी तक इस इंटीग्रल को, तो इसी को कहते हैं लाइन इंटीग्रल कहते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आप जानते हैं डी आर बाय डी एस डॉट इंटू डी एस को क्या लिख सकते हैं, डी एस और डी एस हट जाएगा, सिर्फ डी आर लिखते हैं कैलकुलस से, तो ये हालांकि कैंसिल होता नहीं है लेकिन ये रूल है कि ये चीज़ को हम लोग डी आर लिख सकते हैं। तो जैसे आप जानते हैं डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, सिर्फ डी वाई लिख सकते हैं, तो डी आर बाई डी एस इंटू डी एस को हम लोग डी आर लिख रहे हैं। तो इस इंटीग्रल को कहिए या इस इंटीग्रल को कहिए, दोनों एक ही चीज़ है। तो ये जो इंटीग्रल है ए से बी तक इंटीग्रेट कर रहे हैं और अलॉन्ग द कर्व इंटीग्रेट हो रहा है, यानी यहाँ पर अगर एस वैरी करेगा तो एस वैरी कर रहा है तो इसी कर्व का आर्क लेंथ बताएगा, या फिर अगर इसको देखिएगा तो यहाँ आर वैरी कर रहा है और आर क्या बता रहा है, आर पोजिशन वेक्टर बता रहा है किसी भी पॉइंट का, तो आर पोजिशन वेक्टर जो है वो कौन सा पॉइंट का होगा, इसी कर्व का कोई भी पॉइंट का हो सकता है, यहाँ 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 इस तरीके से इसी कर्व का पॉइंट का पोजिशन वेक्टर कहाँ से शुरू होगा, ए से शुरू होगा और बी तक जाएगा, तो ये जो इंटीग्रल का वैल्यू आएगा इसी को कहते हैं इज कॉल्ड लाइन इंटीग्रल अलोंग द कर्व सी। आप इस इंटीग्रल को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए टू बी जो लिखे हुए हैं, अगर कर्व ए से बी तक ही है सिर्फ, तो हम लोग इंटीग्रल अलोंग द कर्व सी ऑफ एफ इन डॉट डी आर, ये जो इंटीग्रल आएगा ये लाइन इंटीग्रल कहलाएगा। तो लाइन इंटीग्रल में फ्रेंड्स क्या करते हैं, एक वेक्टर फंक्शन लेते हैं और उस वेक्टर फंक्शन को किसी कर्व में हम लोग डिफाइन करते हैं, कर्व के पॉइंट पर डिफाइन करते हैं और वो कंटिन्यूस होना चाहिए, और जो वेक्टर कर्व ले रहे हैं कर्व का किसी भी पॉइंट का पोजिशन वेक्टर आर लेते हैं और उसका यहाँ पर डिफरेंशियल यूज करते हैं, तो दोनों का वेक्टर फंक्शन का, वेक्टर पॉइंट फंक्शन का और इसका जो पोजिशन वेक्टर है उसका डिफरेंशियल का डॉट प्रोडक्ट लगाते हैं और उसको इंटीग्रेट करते हैं, अलॉन्ग द कर्व इंटीग्रेट करते हैं, तो ये जो इंटीग्रल आता है इसी को हम लोग लाइन इंटीग्रल कहते हैं फ्रेंड्स। और अब हम लोग देखते हैं कि सपोज कीजिए ये जो फंक्शन है अगर कंपोनेंट के फॉर्म में लिखें तो ये वेक्टर फंक्शन जो था वो क्या था, एफ वन इंटू आई प्लस एफ टू इंटू जे कैप प्लस एफ थ्री इंटू के कैप, ये था। और आर है क्या, आर किसी भी पॉइंट का पोजिशन वेक्टर है, कौन सा पॉइंट का पोजिशन वेक्टर है, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप एक्स वाई जेड मान लीजिए, किसी भी पॉइंट ये कर्व का एक्स वाई जेड इसका कोऑर्डिनेट है, तो इसका पोजिशन वेक्टर कैसे लिख सकते हैं, एक्स इंटू आई कैप प्लस वाई इंटू जे कैप प्लस जेड इंटू के कैप। अगर इसका डिफरेंशियल निकालते हैं तो डिफरेंशियल क्या होगा, डी आर अगर निकालते हैं तो यहाँ पर भी डिफरेंशियल निकालना पड़ेगा एक्स का, और एक्स का डिफरेंशियल डी एक्स होता है डी एक्स आई कैप, प्लस वाई का डिफरेंशियल डी वाई जे कैप, प्लस जेड का डिफरेंशियल डी जेड के कैप। अब हम लोग किसको इंटीग्रेट कर रहे थे, एफ डॉट डी आर को इंटीग्रेट करते थे लाइन इंटीग्रल के लिए, तो ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालिए, तो एफ डॉट डी आर, अब देखिए ये फ्रेंड्स क्या होगा, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन आपको पता होगा, तो कंपोनेंट सिर्फ मल्टीप्लाई हो जाता है, एफ वन इंटू डी एक्स प्लस एफ टू इंटू डी वाई प्लस एफ थ्री इंटू डी जेड, यानी कि लाइन इंटीग्रल जो है अगर इस इंटीग्रल को लिखें ए टू बी एफ डॉट डी आर को अगर लिखना चाहें कंपोनेंट के फॉर्म में, तो कंपोनेंट के फॉर्म में एफ डॉट डी आर का वैल्यू ये है, यानी कि हम लोग ए से बी तक इंटीग्रेट करेंगे किसको, एफ वन डी एक्स प्लस एफ टू डी वाई
प्लस एफ थ्री डी जेड, और इसका जो इंटीग्रल का वैल्यू आएगा उसी को हम लोग लाइन इंटीग्रल कहेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एफ वन जो है वो एक्स वाई जेड का फंक्शन है, एफ टू भी एक्स वाई जेड का फंक्शन है, एफ थ्री भी एक्स वाई जेड का फंक्शन है, ये तीनों जो है वो एक्स वाई जेड का फंक्शन है। अब इसको इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में, इसको y के रिस्पेक्ट में, इसको z के रिस्पेक्ट में। तो कैसे इंटीग्रेट करते हैं हम कुछ ही क्वेश्चन के साथ में बताएंगे इसको, और कैसे हम लोग यहाँ पर लिमिट लेते हैं वो सारी चीज़ एक एक क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसी को लाइन इंटीग्रल कहते हैं, और लाइन इंटीग्रल का कुछ और कॉन्सेप्ट है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको मैं आगे समझा रहा हूँ। फ्रेंड्स इसको देखिए कि द लाइन इंटीग्रल अराउंड ए सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होता है मैं पिछले वीडियो में मैं बताया हूँ, लेकिन आप समझिए कि सिंपल क्लोज्ड कर्व एक क्लोज्ड कर्व हो गया जो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करता है। वो कोई भी क्लोज्ड हो सकता है, सर्कल हो सकता है या किसी भी तरीके से हो सकता है। तो जो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करता, मतलब इस तरीके से क्लोज्ड कर्व नहीं होना चाहिए, आपस में इंटरसेक्ट कर जाता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसको हम लोग सिंपल क्लोज्ड कर्व कहते हैं। तो द लाइन इंटीग्रल अराउंड ये सिंपल क्लोज्ड कर्व, अगर इस कर्व के अलॉन्ग हम लोग को किसी लाइन इंटीग्रल को निकालना है तो उसको डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय एन इंटीग्रल साइन विथ ये सर्कल अराउंड इट एज। हम लोग क्या करेंगे, एक इंटीग्रल का साइन देंगे और यहाँ पर एक सर्कल बना देंगे। जरूरी नहीं है कि ये सर्कल हो, कोई भी क्लोज्ड कर्व अगर है तो यहाँ पर सर्कल ही बनाएंगे। तो ये इस तरीके से डिनोट करते हैं अगर हम लोग को सिंपल क्लोज्ड कर्व के अराउंड अबाउट इंटीग्रेट करना है, तो इस इंटीग्रल के बदले हम लोग इसको इस तरीके से लिखते हैं। एंड द लाइन इंटीग्रल एफ डॉट डी आर, ये जो लाइन इंटीग्रल होता है आप लिखेंगे अगर हम लोग को क्लोज्ड कर्व में इंटीग्रेट करना है तो ये सर्कल का साइन दे देंगे। ये हो गया लाइन इंटीग्रल अबाउट ये सिंपल क्लोज्ड कर्व सी। तो इसको कहते हैं इज कॉल्ड सर्कुलेशन ऑफ एफ। ये जो लाइन इंटीग्रल का जो भी वैल्यू आता है उसको क्या कहेंगे, सर्कुलेशन ऑफ एफ अबाउट सी, इस तरीके से डिनोट करते हैं और इसको सर्कुलेशन ऑफ एफ अबाउट सी कहते हैं। दूसरी चीज जरा ध्यान दीजिए कि इफ द कर्व सी इज गिवन बाय द पैरामेट्रिक इक्वेशन। मान लीजिए कोई भी कर्व है जिससे कर्व के अराउंड हम लोग को इंटीग्रेशन करना है, तो वो मान लीजिए उसका पैरामेट्रिक इक्वेशन दिया हुआ है। पैरामेट्रिक इक्वेशन जैसे x इक्वल टू एक्स ऑफ टी, y इक्वल टू y ऑफ टी, z इक्वल टू z ऑफ टी, मतलब x y z जो है वो t का फंक्शन है, t पैरामीटर है। जैसे आप मान लीजिए सपोज कीजिए सर्कल की बात करते हैं, तो सर्कल अगर एक्स वाई प्लेन पर अगर हम लोग लिखते हैं तो एक्स वाई प्लेन पर सर्कल बनाया है तो उसका पैरामेट्रिक इक्वेशन होता है, अगर इसका रेडियस a है तो रेडियस a है तो x इक्वल टू a cos t, y इक्वल टू a sin t, और एक्स वाई प्लेन पर है तो z कोऑर्डिनेट उसका जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से x भी t का फंक्शन, y भी t का फंक्शन और z भी t का फंक्शन होगा। तो यहाँ पर मैं वही लिख रहा हूँ कि अगर किसी कर्व का पैरामेट्रिक इक्वेशन दिया हुआ है इस तरीके से, तो उस समय एफ डॉट डी आर यानी कि लाइन इंटीग्रल अबाउट सी कैसे निकालेंगे। तो अभी मैं बताया हूँ कि एफ डॉट डी आर बराबर ये होता है एफ वन इंटू डी एक्स प्लस एफ टू इंटू डी वाई प्लस एफ थ्री इंटू डी जेड, जहाँ एफ क्या होता है, एफ जो फंक्शन है, एफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, ये किसके बराबर, एफ वन आई कैप प्लस एफ टू जे कैप प्लस एफ थ्री के कैप। तो ये अगर फंक्शन है तो लाइन इंटीग्रल इसके बराबर होता है। अब देखिए अगर पैरामेट्रिक इक्वेशन दिया हुआ हो तो कैसे इसको हम लोग लिखेंगे। हम लोग ऐसा करते हैं, सी के अबाउट इंटीग्रेट करना है एफ वन, इसको लिखते हैं डी एक्स बाई डी टी इंटू डी टी। यहाँ पर डी एक्स को डी एक्स बाई डी टी इंटू डी टी लिख सकते हैं, इसका वैल्यू डी एक्स ही आएगा। उसी तरीके से इसको भी लिखते हैं डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी, और यहाँ पर लिखते हैं एफ थ्री डी जेड बाई डी टी इंटू डी टी। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो कर्व सी के अबाउट इंटीग्रेट करना था, तो कर्व सी का मान लीजिए ये कर्व है, तो ये कर्व है तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर इंटीग्रेट करना है, ए से बी तक इंटीग्रेट करना है, तो इसका भी पैरामीटर का कुछ वैल्यू होगा, सपोज कीजिए टी वन है, और इसका भी पैरामीटर का कुछ वैल्यू होगा टी इक्वल टू मान लीजिए टी टू है। तो अब हम लोग ये जब टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो यहाँ पर टी का लिमिट देंगे कि टी वन से टी टू तक वैरी कर रहा है, तो यहाँ पर t1 टू t2 लिखेंगे और dt प्रत्येक में है तो dt को हम लोग बाहर कर देंगे, f1 dx by dt प्लस f2 dy by dt प्लस f3 dz by dt, और यहाँ पर dt हो जाएगा। तो इससे हम लोग इवेलुएट कर लेंगे। देखिए f1 जो है, f1 आपका f1 है क्या, f1 क्या था, f1 था एक्स वाई जेड का फंक्शन, एफ वन जो है वो एक्स वाई जेड का फंक्शन है,
और एक्स वाई जेड को हम लोग फिर किसके रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं, टी के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं। तो एफ वन जो है वो टी का फंक्शन आ जाएगा, तो एफ वन टी का फंक्शन रहेगा और एक्स जो आएगा वो टी का फंक्शन है, इसको डिफ्रेंशिएट करके डी एक्स बाई डी टी निकाल लेंगे, ये भी टी का फंक्शन होगा। तो ये पूरा टी का फंक्शन आएगा, ये भी टी का फंक्शन, ये भी टी का फंक्शन, और इस तीनों के सम को इंटीग्रेट कर लेंगे और टी वन से टी टू तक इंटीग्रेट कर लेंगे तो जो वैल्यू आएगा उसी को हम लोग लाइन इंटीग्रल कहेंगे। यानी पैरामेट्रिक इक्वेशन दिया हुआ रहे तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं लाइन इंटीग्रल को इवेलुएट करने के लिए। चलिए और कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग। फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं वर्क डन बाय ए फोर्स। हम लोग लाइन इंटीग्रल के हेल्प से वर्क डन बाय ए फोर्स निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं जरा समझिए कि लेट ए फोर्स एफ एक्ट अपॉन ए पार्टिकल विच इज डिस्प्लेस्ड अलॉन्ग ए गिवन कर्व सी इन अ स्पेस फ्रॉम द पॉइंट पी ऑफ आर। सपोज कीजिए कोई भी कर्व है, इस कर्व को हम लोग सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इस पर कोई भी पॉइंट है पी जिसका पोजिशन वेक्टर आर है। यहाँ पर अगर कोई पार्टिकल है और इस पार्टिकल पर अगर कोई फोर्स लग रहा है और इस डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है और इस फोर्स के लगने के कारण ये पार्टिकल डिस्प्लेस्ड हुआ अलॉन्ग द कर्व। डिस्प्लेस होकर के यहाँ से सपोज कीजिए ये यहाँ से यहाँ तक आ गया और ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट सपोज कीजिए डी आर है, तो ये जो एफ जो फोर्स लग रहा है एक्ट अपॉन द ए पार्टिकल विच इज डिस्प्लेस्ड अलॉन्ग ए गिवन कर्व सी, इसी कर्व के अलॉन्ग में ये डिस्प्लेस हुआ फोर्स लगने के कारण, और ये जो कर्व है कहीं भी स्पेस में कहीं भी कर्व हो सकता है और ये पी पॉइंट पर लग रहा है और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ डी आर, तो आपको पता होगा कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं तो ये टोटल वर्क डन हो जाता है फोर्स का, और ये जो वर्क डन निकलेगा वो किस डायरेक्शन में निकलेगा, टेंजेंट के डायरेक्शन में। अगर पी पॉइंट पर निकाल रहे हैं तो ये टेंजेंट जो होगा उसके डायरेक्शन में निकलेगा। तो आप इसको समझिए कि टोटल वर्क डन बाय फोर्स एफ कैसे निकालेंगे, तो ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए हुआ। अगर मान लीजिए पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस हो गया, मान लीजिए ए से स्टार्ट हुआ और ए से लेकर के बी तक डिस्प्लेस्ड हो गया, तो ये हुआ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, किसी पॉइंट पर जो वर्क डन हुआ है वो है। अगर इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं एफ डॉट डी आर निकाल देते हैं तो टोटल वर्क डन हो जाएगा, ए से बी तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए हुआ तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए निकाल देते हैं, उसके बाद अगर इंटीग्रेट कर देते हैं तो वो कंप्लीट टोटल वर्क डन निकल जाता है। तो हम लोग ये जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए निकाले हैं वर्क डन, उसको अगर ए से बी तक इंटीग्रेट कर देते हैं तो अगर पार्टिकल को फोर्स लगा करके ए से बी तक डिस्प्लेस किया गया तो टोटल वर्क डन इस तरीके से निकल जाएगा। तो ये लाइन इंटीग्रल के हेल्प से हम लोग किसी भी फोर्स का जो टोटल वर्क डन होता है वो निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो अब काफ़ी लंबा हो रहा है, इससे रिलेटेड मुझे कुछ क्वेश्चन भी बताना था लेकिन ये वीडियो लंबा होने के कारण इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ। क्वेश्चन जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कल मैं उसको अपलोड करूँगा और आप क्वेश्चन को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अभी तो मैं कॉन्सेप्ट आज बताया हूँ लाइन इंटीग्रल का, लेकिन आप जब क्वेश्चन को सब समझ लीजिएगा तो ये अगर थोड़ी बहुत कुछ डाउट भी रह गया होगा तो क्वेश्चन से सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और ये वीडियो जब मैं कल अपलोड करूँगा तो इसके साथ भी लिंक दे दूँगा इस वीडियो में, लेकिन वो मैं कल दे सकता हूँ, आज उस वीडियो को मैं शूट नहीं किया हूँ और अपलोड भी मैं कल करूँगा, कल शूट करके। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि दूसरे को भी कुछ फ़ायदा मिल सके। और आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।